हम लोग यह क्वेश्चन आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में गणितीय आगमन सिद्धांत बोलते हैं। तो इसको बनाना बहुत इजी है और इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि इस मेथड से अगर हम बनाएंगे तो यह बहुत फर्क क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। इसलिए तो ये हमको मेथड को समझना जरूरी है, बहुत आसान है बट इसको मेथड को हमें समझना जरूरी है। देखिए इसको हमको सिद्ध करना था, मान लें कि सिद्ध करना था, पहले क्या करेंगे हम इसको इन के मान हम वन लेंगे। एक स्टेप बात करते हैं, जब वन ले लेंगे तो यह पहला बार इसका मतलब कि LHS जो आ गया पहले पद लेना है, तो इसका मतलब कि वन बाई वन इंटू टू, तो इसका मतलब वन बाई टू हो जाएगा। RHS इसका क्या आ जाएगा, जब उसमें RHS में जब वन बाई वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन हो जाएगा वन बाई टू हो गया। इसका मतलब कि हम जो यह पुट किए थे यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से समझे यह लिख लिए, तो यह इसका मतलब कि ये ने कहा था सत्य है, जब n इक्वल टू लिखे हुआ देखेंगे पी एन इज ट्रू वेन एक्स इक्वल टू वन, इसलिए सो दैट ऑल्सो बी ट्रू, तो हो जाएगा यहाँ पर वन बाई वन हो जाएगा प्लस टू थ्री डॉट डॉट इक्वल टू लिखेंगे, आपका यहाँ पर हो जाएगा वन बाई एम इंटू एम प्लस वन, इसका मान एम प्लस वन हो जाएगा। हमको सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करना है, टू प्रूफ प्रूफ दैट सेंस दैट, इसका लिख लेंगे वन कर लिए, तो वन यहाँ पर वन बाई हो जाएगा वन टू इंटू प्लस वन बाई टू थ्री डॉट डॉट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एम बाई वन एम इंटू एम प्लस वन था, अब का एक टू और बढ़ जाएगा एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू, तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक बढ़ जाएगा एम प्लस वन, यहाँ पर हो जाएगा आपका हो जाएगा एम ये टू हो जाएगा, यहाँ पर यह आ गया। अब ध्यान देना जरूरी है इसको मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे इसको प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम पी एम इन एडेड वन बाई एम प्लस वन इन टू एम प्लस टू ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे इसमें पी एम में जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा वन बाई टू इंटू वन प्लस वन बाई टू इंटू थ्री प्लस डॉट डॉट हो जाएगा वन बाई एम इंटू एम प्लस वन बाई नी प्लस हो जाएगा एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू हो जाएगा यह। तो ये सब ऐड करेंगे तो पहले एम प्लस जो था इसमें तो उसको ई में ऐड करना है मेरे को एम प्लस, यहाँ एम प्लस था तो उसमें हमको ऐड करना है, यहाँ पर बटा में ऐड करेंगे एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू ऐड के, तो इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो वन बाई एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू प्लस एम बाई एम प्लस वन, देखिए यह जो कॉमन हो गया था इसका एलसीएम जब निकालेंगे एलसीएम तो एम प्लस वन इंटू हो जाएगा एम प्लस टू हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यह जो एलसीएम इतना आ गया तो इसका मतलब कि इसमें मल्टीप्लाई होने वाला है, तो यहाँ पर वन रह जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई एम इंटू हो जाएगा एम प्लस टू मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा टू एन टू एम बाई हो जाएगा एम वन प्लस मतलब इंटू एम प्लस टू इंटू हो जाएगा। अब इसको फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ पर एक फार्मूला आ जाता है, यहाँ पर ए प्लस वन का होल स्क्वायर बाई हो जाएगा आपका एम प्लस वन इंटू एम प्लस आपका टू हो जाएगा, तो ए वो से कट जाएगा तो ए वो एम प्लस वन आपका बच जाएगा, यह कट जाएगा तब की बचेगा एम प्लस वन बाई एम प्लस टू, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आपको आ गया। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन जो होता है बच्चों अगर हमको क्या करें प्रूफ करना है इसमें कि क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू एट फंक्शन एम प्लस वन
एट एन इक्वल टू एम प्लस वन, जब यह रहेगा तब, इसमें सब प्रूफ है, इस समय क्या हो जाएगा, ये सही है, प्रूफ हो गया। तो यह क्वेश्चन बहुत ईजी था, और देखिए इस तरह क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको मान लेके हैं ना प्रिंसिपल ऑफ का मैथमेटिकली इंडक्शन का, तो कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी आपको आपको बना रहा है इसमें, ये बहुत सारा यूजफुल होने वाला है क्वेश्चन है, बहुत यूज होगा आपको, मतलब कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप मतलब कि जो होता है तो बहुत आसानी से हो जाए, ज़्यादातर जब अच्छा प्रूफ कोई कहता क्वेश्चन कहता था उसको ज़्यादा यूज होता है, समझ गए, आई होप आप समझ होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जाना गौरव मत दीजिए, अभी छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अभी तो नया स्टार्ट किया यूट्यूब, आप मेरा यूट्यूब पर नया हो गया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आपको हर एक आप जो भी मैथ को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कॉम्पिटिशन को, तो आपको बताएंगे, कोई आपको नहीं सोचना है, आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर।